नमस्कार, हम लोग हैं केडी पॉलीमर्स कानपुर के स्टॉल पर। मेरे साथ हैं अनूप अग्रवाल जी, कंपनी के सीईओ फाउंडर, और यहाँ सर बताएंगे अपने प्रोडक्ट डिटेल के बारे में और केडी पॉलीमर्स के पूरी जर्नी के बारे में। आइए मिलते हैं। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम लोगों ने केडी पॉलीमर्स की न्यू 1998 में रखी थी और तभी से हम लोग बैटरी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उस समय हमारा बैटरी ट्रेड ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अपडेट नहीं था। हम लोग ओपन बैटरी कंटेनर्स में ही फोकस करते थे और मैक्सिमम इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ था वो इन्वर्टर बैटरीज़ का था, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर में बैटरीज़ की बहुत प्रॉब्लम, लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी और बैटरी से ही उसका सपोर्ट लेना पड़ता था। लेकिन समय रहते ट्रेंड बदला, भारतवर्ष में भी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया, हम भी ग्लोबली जुड़े और अपने आप को हमने अपडेट किया। बैटरीज की टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती गई, इसी हिसाब से हम लोगों ने भी अपने आप को अपडेट किया। आज हम लोग इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में अपने कंटेनर्स की सप्लाई दे रहे हैं और नेशनल लेवल के बैटरी कंटेनर्स बना रहे हैं, जिसको पूरा भारतवर्ष हमारा एक्सेप्ट करता है। इस जर्नी में सक्सेस होने के लिए हमने भी हर दिन कुछ नया सीखा, नया समझा और नई मार्केट को क्या एक्सेप्टेंस है उसके हिसाब से कंटेनर्स की डिज़ाइन को डेवलपमेंट किया। हर दिन करते करते आज हम इस स्थिति पे आ गए हैं जब हमारे प्रोडक्ट की इंडियन वाइज पूरा नेशनल वाइज एक्सेप्टेबिलिटी हम लोग को मिल रही है और कह सकते हैं कि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ कंटेनर्स की डिज़ाइनें लगाई हुई हैं यहाँ पे, वो मतलब जो भी नेशनल लेवल के बड़े बड़े ब्रांड जो भी बना रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने अपने कंटेनर्स की डिजाइनिंग की हुई है और जो कि मार्केट में पूरी VRLA एक्चुअली क्या है, VRLA की एक्सेप्टेबिलिटी देखिए, चूंकि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को, तो हमारा पहला प्रयास ये रहता है कि हम जो मॉडल्स जो ज़्यादा चले हैं, हम लोग वैसे तो पूरा नेशनल वाइज वर्किंग कर रहे हैं बट पहला फोकस हमारा यूपी से चल के हम लोग पूरा ईस्ट तक कवर कर, लास्ट पॉइंट तक आसाम तक कवर कर रहे हैं, जोरहाट तक कवर कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा सारा फोकस ये रहता है कि पहले जो इजिली एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं उस पर फोकस करें, उसको डेवलप करें, कस्टमर तक पहुँचें। अब VRLA ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वी आर अंडर वर्किंग, अभी हम लोग इसकी भी सीरीज नेक्स्ट ईयर तक लेकर के आ जाएंगे और अपने कस्टमर्स को, व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे सर केडी पॉलीमर्स के बिहाफ पे कि जो लेटेस्ट बैटरी से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कुछ संदेश? इसमें बस सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, आज का समय सिर्फ ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी से अपने बिजनेस की लॉयलिटी से जो जुड़ के चल रहा है, जो आज के दिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, आज पैसे पे कम फोकस कर रहा है, अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, अब वही बचेगा, बाकी लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये सच है कि अब हम लोग ग्लोबली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हर प्रोडक्ट, चाहे ये मैं नहीं कहता केवल बैटरी, हर प्रोडक्ट डे बाई डे अपग्रेड हो रहा है। किसी प्रोडक्ट को भी अगर हम उठा के देख लें तो सेम स्थिति हमारे बैटरी ट्रेड के अंदर भी है। एक समय था जब हम लोगों ने बैटरी बिजनेस को स्टार्ट किया था, बैटरी इन्वर्टर बैटरी की लाइफ एक साल की होती थी और आज 7-7 साल बैटरी की गारंटी की बैटरियां आने लगी हैं, तो दिस इज़ द चेंज। तो मैं सभी अपने बैटरी भाइयों से एक ही बात कहूँगा, जो समय की डिमांड है उसके हिसाब से अपने आप को बदल लीजिए, तभी हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएंगे। तो आपने सुने सर के विचार केडी पॉलीमर्स के बारे में और बाकी सारे जो बैटरी मैन हैं उनके लिए। आशा करता हूँ आप लोग चाहेंगे कि स्टॉल को विजिट करें 25, 26 और 27 मार्च को एक्सपो सेंटर में। सर यहाँ अवेलेबल रहेंगे, विवेक जी आप तो अवेलेबल रहेंगे, अगर अनूप जी नहीं भी हो तो? नहीं, अवेलेबल रहेंगे, आप भी रहेंगे सर? बिल्कुल। तो 3 दिन अगर सर नहीं है तो विवेक सर यहाँ पर मिलेंगे और सारी डिटेल प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में विवेक जी का नंबर और कंपनी से जुड़ी हुई बाकी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूँ। स्टॉल को विजिट करने के लिए एक्सपो सेंटर जरूर आए। धन्यवाद।